लास्ट लेक्चर में हमने डायोड डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे, डायोड पर बेस्ड कुछ सर्किट प्रॉब्लम्स किए थे, सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम्स किए थे। हमने डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ समझ लिया था, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ को एक्सप्लेन किया था, और उस ग्राफ की वजह से, उस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से किस तरह से उसका सर्किट में यूज होता है, ये हमने देखा था। द पर्पज ऑफ डायोड विल जनरली बी टू अलाउ पासिंग ऑफ करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। एक यूनि डायरेक्शनल सर्किट, नॉन रिटर्निंग सर्किट बनाया जा सके, एक ऐसा सर्किट जिसमें एक ही डायरेक्शन में करंट जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में, दूसरी साइड में डायरेक्शन करंट ना फ्लो करे। दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ डायोड, ये डायोड का एक बेसिक पर्पज होता है। इस फिनोमेना की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से डायोड को कुछ और यो एप्लीकेशंस में भी लगाया जाता है, डायोड के कुछ और यूजेस लिए जाते हैं। हम एसी सर्किट्स में डायोड का यूज कैसे करते हैं? एसी सर्किट में जब डायोड को लगाया जाता है तो डायोड का बिहेवियर कैसा होता है, इसको अब हम समझते हैं। व्हेन वी कनेक्ट अ डायोड इन एन एसी सर्किट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वाले सर्किट में जब हम एक डायोड को कनेक्ट करते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, वहां पर क्या हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, अब वो हम देखते हैं। डायोड को जब हम एक एसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो जो हमें वहां कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं, फिनोमिना दिखते हैं, बिकॉज ऑफ दैट जो हम आगे अभी समझेंगे, उसकी वजह से इस सर्किट को हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जाता है। जो सर्किट अब हम आगे देखना चाहते हैं, विच इज अ सिंपल सर्किट ऑफ कनेक्टिंग अ डायोड टू एन एसी वोल्टेज, टू अ एसी वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से हम जब एक डायोड को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, हम ये देखना चाहते हैं, और जो उसके कंक्लूजन होंगे, जो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, उसकी वजह से इस सर्किट का नाम हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट रख दिया जाता है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, आगे समझ में आ जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? हम सिंपली जो हमने एक बेसिक सर्किट देखा था, एक बैटरी डायोड रेजिस्टर, एक बैटरी एक डायोड एक रेजिस्टर, उसी में अब बैटरी की जगह पर, उसी में बैटरी की जगह पर हम एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा देना चाहते हैं। इस तरह से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को डिनोट किया जाता है। हमने यहां पर एक डायोड लगा दिया और इधर से एक रेजिस्टर लगा दिया आउटपुट लेने के लिए। Now, ध्यान रहे, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग सोर्स में होता क्या है, एक साइनसोइडल वेरिएशन के साथ, एक साइनसोइडल वेरिएशन के साथ वोल्टेज सप्लाई किया जाता है। द वोल्टेज बीइंग सप्लाइड हैज अ साइनसोइडल वेरिएशन, कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं। द इनपुट वोल्टेज वी आई, द इनपुट वोल्टेज कैन बी गिवन बाय V साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी, वेर ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, T इज द टाइम पीरियड, T वहां पर टाइम पीरियड होगा जिसमें ये अपनी एक साइकिल कंप्लीट करता है। वोल्टेज जीरो से स्टार्ट होकर V नॉट पर जाएगा, फिर जीरो पर आएगा, फिर -V0, फिर V, फिर जीरो, एंड सो ऑन। इस तरह से एक साइनसॉइडल वेरिएशन वहां पर हमें मिलेगा। जो इनपुट वोल्टेज है
उसका टाइम के साथ वेरिएशन, उसका टाइम के साथ वेरिएशन जो है वो एक साइनसॉइडल वेरिएशन होगा। इस तरह से ठीक है, द वाई एक्सिस इज शोइंग द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड द एक्स एक्सिस इज शोइंग द टाइम। एक्स एक्सिस जो है वो टाइम बता रही है। तो हम यहां क्या शो कर रहे हैं कि एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में ये वोल्टेज जो है जीरो से पहले मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट तक जाता है, पॉजिटिव वी नॉट, फिर वो जीरो पर जाता है वापस, फिर माइनस वी नॉट पर जाता है और फिर वापस जीरो पर। इस पूरी एक साइकिल में वो दो बार जीरो पर जाता है, दो बार मैक्सिमम पर जाता है, मतलब एक्सट्रीम्स पर जाता है, एक बार मैक्सिमम पॉजिटिव वी नॉट, एक बार नेगेटिव वी नॉट। एक साइकिल में जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव वोल्टेज रहता है, एक साइकिल में वोल्टेज नेगेटिव वोल्ट, हाफ साइकिल में, पहले हाफ साइकिल में यहां पॉजिटिव वोल्टेज हमें दिख रहा है, दूसरे हाफ साइकिल में हमें नेगेटिव वोल्टेज दिख रहा है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉजिटिव वोल्टेज एंड नेगेटिव वोल्टेज? ये जो हम यहां पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज बता रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है? इट इज अगेन सिमिलर टू द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। ये जो पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज हम यहां बोल रहे हैं, इसका सिंपली ये मीनिंग है कि पहले एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड है, नेगेटिव दूसरी साइड है, बाद में उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया जाता है। एक बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले इधर था, नेगेटिव इधर था, फिर उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया और ये केस हमें मिल गया। अ बैटरी विद वेरिंग वोल्टेज, अ बैटरी विद वेरिंग वोल्टेज एंड विच चेंजेस इट्स पोलैरिटी आफ्टर हाफ साइकिल, आधे साइकिल के बाद उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है। मतलब हम कुछ ऐसा समझें कि फर्स्ट हाफ साइकिल में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ऐसा रहता है, दिस इन फर्स्ट हाफ साइकिल। सेकेंड हाफ साइकिल में इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आ जाता है, कुछ ऐसा समझे हम। फर्स्ट हाफ साइकिल में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव रहता है, सेकेंड हाफ साइकिल में इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, इसको हम काम करते हैं अलग अलग कलर से शो करते हैं सो दैट
दोनों साइकल्स का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट दिखे हमें. सेकेंड हाफ इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, दिस इज द इनपुट वोल्टेज. हाँ, यही तो हम आगे बताना चाहते हैं दैट दोनों साइकिल में इस डायोड की वजह से सर्किट का बिहेवियर अलग अलग होगा. दैट इज व्हाट वी वांट टू कंक्लूड फर्दर. यही तो हम आगे बताने जा रहे हैं, यही तो हम आगे बताना चाहते हैं, ठीक है ना? यही हम आगे बताना चाहते हैं. दिस इज इनफैक्ट द वेरी नेक्स्ट थिंग विच आई वॉज अबाउट टू से, कि यहां पर अब हम देखें पहले हाफ में पॉजिटिव पी से कनेक्टेड, नेगेटिव एन से कनेक्टेड. दिस फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द डायोड एंड देयर फॉर द डायोड अलाउज द करंट टू पास इन द फर्स्ट हाफ साइकिल. इन द फर्स्ट हाफ साइकिल डायोड इज इन फॉरवर्ड बायसिंग. Diode is forward biased. Therefore, it allows current to pass through. Therefore, it allows current to pass through. पहला साइकिल जो होगा दैट मींस दिस वन, इस हाफ साइकिल में हम देख रहे हैं दैट द डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायसिंग. जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में होगा एंड देयरफॉर इट विल अलाउ करंट टू पास थ्रू. वो करंट को पास होने देगा. वेयर इज इन सेकेंड हाफ साइकिल, इन द सेकेंड हाफ साइकिल the diode will be in reverse biasing. Second half cycle में जो diode है वो reverse biasing में चला जाएगा and therefore it will offer infinite resistance. It will be in reverse bias. It will not allow current to pass through. In second half of the cycle, in second half cycle the diode is reverse biased. Therefore, it will not allow current to pass through. वो करंट को पास नहीं होने देगा. हाँ, इफ देयर हैड बीन नो डायोड, अगर डायोड होता ही नहीं तो जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होता वैसे ही करंट भी चेंज होता रहता. वैसे ही ये लोड वाला वोल्टेज चेंज होता रहता, ठीक है? दैट मींस इन ईच साइकिल, इस साइकिल में भी, इस साइकिल में भी करंट होता और करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहता. भाई अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मीनिंग ही क्या होता है? अ करंट, अ वोल्टेज, अ करंट विच कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल. कुछ फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो करंट बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है. पहले अगर राइट टू लेफ्ट जा रहा था तो लेफ्ट टू राइट जाएगा, पी टू क्यू जा रहा था तो क्यू टू पी जाएगा,
यही तो अल्टरनेटिंग करंट होता है। अच्छा देखो, हम ये बोल रहे हैं इफ देयर हैड बीन नो डायोड, अगर यहां डायोड नहीं होता तो डेफिनेटली यहां दोनों ही साइकिल में करंट पास होता। द करंट वुड हैव पास्ड इन बोथ द साइकिल्स इफ देयर हैड बीन नो डायोड, बिकॉज इस डायरेक्शन में भी करंट अलाउड है, इस डायरेक्शन में भी करंट अलाउड है, तो करंट पास होता, उसको कोई नहीं रोकता। बट बिकॉज ऑफ द डायोड करंट इज अलाउड ओनली इन दिस डायरेक्शन, जो कि हमें मिल रहा है फर्स्ट साइकिल में। दिस इज अलाउड, ये अलाउड है। रिवर्स बायस में जो हमें डायरेक्शन दिख रही है वो दिख रही है ये, ठीक है, ये डायरेक्शन विच इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है।